का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रारंभिक विद्युत, और इसके अंतर्गत जानेंगे शक्ति यानी कि पावर के बारे में। इनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल आते हैं काफी मात्रा में, उसके बारे में भी लगाया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पावर पावर है क्या और इससे इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो पावर जो होता है, तो इस तरीके से हमारा पावर शक्ति की बात करते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य बटे समय, कार्य और समय के अनुपात को ही हम कहते हैं शक्ति, पावर कहते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। लेकिन हम वैद्युतिक शक्ति की बात करते हैं तब भी इसका परिभाषा जो है मिलता है कि किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, और यहाँ पर जो पावर की बात की जाती है वो पी इक्वल टू वी इंटू आई से गणना की जाती है। यानी कि पावर जो है, पी क्या है, पावर है, और वी क्या है, वोल्ट है, और आई क्या है, आपकी करंट है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज और करंट के गुणनफल को यहाँ पर हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, और इस तरीके से पावर का यहाँ पर सूत्र जो है आपका निकल कर के आता है वो अलग अलग प्रकार से। यदि हम V की वैल्यू ओम के नियम पर जाएं, आपको इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो यहाँ पर V बराबर I इंटू R आता था। तो V के मान को यदि हम यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर हम दर्शा दें, तो ये हो जाएगा कि P बराबर आपका V के जगह पर I इंटू R कर दिया जाए और इंटू आई कर दिया जाए तो आई स्क्वायर आर आपका आ जाएगा पी बराबर। तो ये दूसरा आपका न्यूमेरिकल आता है, इससे सूत्र आपका क्रिएट हो जाता है। तीसरा इससे रिलेटिव है कि यदि हम यहां से पक्षांतर करें और यहां पर आई के वैल्यू को रखा जाए तो एक सूत्र और निकल करके आता है कि पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर। तो इस तरीके से हमें तीन सूत्र प्राप्त होते हैं, और किसी मशीन की शक्ति इन वैद्युतिक शक्ति को ज्ञात करने के लिए ये आपके सूत्र होते हैं। इनसे रिलेटिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो हम इससे संबंधित आपको एक एक प्रश्न बताता हूं। जैसे देख रहे हैं कि ये प्रश्न है आपका कि एक विद्युत हीटर 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है और वह 4 एम्पीयर की विद्युत धारा ले रहा है, तो परिपथ में कुल विद्युत शक्ति की गणना करें। आपको मैंने पावर से विद्युत जो आपकी शक्ति है उससे जुड़े मैंने तीन सूत्र आपको बताया, एक P बराबर V इंटू आई, दूसरा P बराबर आई स्क्वायर आर, एक तीसरा आपका P इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर। आप देखिए इसमें वोल्टेज और करंट दो का मान दिया है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, P बराबर V इंटू आई, और यहाँ पर दे रहा है 230 वोल्ट की सप्लाई जो आपका जुड़ा हुआ है, और परिपथ में जो धारा बैरिंग वो 4 एम्पियर की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 400, 4 × 12 और ये हो जाएगा 4 × 8 = 9। तो 920 वाट ये क्या होगा, आपकी पावर खपत करेगा, यानी उस विद्युत परिपथ में 920 वाट की आपकी खर्चा होगी। अब हम दूसरे फार्मूले पर जाते हैं और जानते हैं कि उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दूसरे फार्मूले पर ये आपका प्रश्न रहेगा जैसे कि जैसे आपका हो गया किसी परिपथ में बहने वाली धारा 2 एम्पियर और उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध का मान 50 ओम हो, तो परिपथ में खर्च विद्युत शक्ति की गणना करें। अब देखिए इसमें करंट का मान दिया गया है और प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगाना है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर से आप देखेंगे कि आई का मान है 2, तो आई स्क्वायर इस नाते 2 × 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 50, और 2 × 4, 4 × 5 = 20, ये आपका 200 वाट आपका आ गया। तो P का मान इस तरीके से इस फार्मूले के थ्रू आपका ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं तीसरा प्रश्न कैसे लगेगा और उससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल जो है P बराबर V स्क्वायर अपान R से रिलेटिव जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे होता है कि एक प्रतिरोध जिसका मान 25 ओम है और परिपथ में सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट हो, तो विद्युत शक्ति की गणना करें। तो इसमें सवाल है, देखिए तीसरे फार्मूले पर सीधे आ रहा है P बराबर V स्क्वायर अपान R से हम ज्ञात करेंगे और V का मान दिया है 250 × 250 हो जाएगा और R का मान दिया है 25 ओम का आपका प्रतिरोध जुड़ा है और इस तरीके से हम काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 250 ये आपका 2500 वाट ये आपका हो जाएगा।
तो इस तरीके से तीनों फार्मूलों पर ये रिलेटिव इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इससे घुमा करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर का मान दे दिया गया, इससे अलग कोई प्रकार का प्रश्न आपके पावर से नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि शक्ति की गणना, विद्युत शक्ति की गणना करनी होती है जहां पर समय दिया रहता है, घंटे दिए रहते हैं और मोटर की वाटेज दी रहती है, और फिर वहां से पूछता है कि कितने यूनिट का खर्चा आया। इससे रिलेटिव मैं आपको प्रश्न बताता हूं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, इसमें विद्युत शक्ति की ही गणना करनी है, लेकिन यहां पर हमने जो तीन फार्मूले बताए वहां उससे जुड़ा हुआ ये कुछ भी नहीं लग रहा है। यहां पर वोल्टेज का मान दिया है ना, इसमें जो है आपका करंट का मान दिया हुआ है ना, कहीं प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, तब भी पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति की गणना करें। अब इस सवाल को लगाने के लिए एक अलग फार्मूला होता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, कि यहां पर जब ऐसे आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो वहां पर यूनिट की गणना की जाती है, यानी किलो वाट घंटा के डब्ल्यू एच, किलो वाट घंटा यानी कि किलो वाट घंटा हमें ज्ञात करना होता है। देखिए, तीनों चीज इसमें दिया हुआ है और इसके बराबर ये होता है आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, और ये बराबर होता है आपका वाट गुणे घंटा बराबर एक यूनिट का। यानी इसमें पूछा जाता है कि मंथ में कितने शक्ति की खर्चा की गई है, वो यूनिट में या किलोवाट घंटे में पूछा जाता है। और इसमें एक चीज और बात आ रही है कि एचपी की बात आती है, तो एचपी में आपके दो एचपी हैं। एचपी मतलब क्या है? हार्स पावर, तो यानी अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति जो होता है इसमें एक होता है ब्रिटिश और दूसरा होता है आपका मैट्रिक। तो ये दोनों के अलग अलग आपके होते हैं। यदि हम ब्रिटिश की बात करें तो 746 वाट होता है, और यदि हम मैट्रिक की बात करें तो 735.5 वाट होता है। तो इस तरीके से ये आपका अश्व शक्ति आता है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाट को, चूंकि यहाँ वाट एचपी नहीं दिया है, यहाँ पर वाट दिया है, इस नाते हम एचपी को वाट में चेंज कर लेंगे, यानी 746.5 कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कैसे आता है। तो इसमें देखेंगे कि एक एचपी बराबर आपका 746 वाट जो आपका ब्रिटिश का है, तो हम मान लेते हैं, इसलिए 5 एचपी बराबर हो जाएगा 746.5 वाट हो जाएगा। अब हम फार्मूले में रखते हैं, तो वाट कितना हो गया, 5 × 746 गुणे आपके घंटे, 4 घंटे पर दिन चला जाता 4 घंटे, गुणे एक माह तक चला जाता है, इस नाते 30 दिन ले लिया, और बटे 1000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं इसका मान कितना आता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 447.6 किलो वाट घंटा, या कह सकते हैं ये इतना क्या हो गया, यूनिट हो गया। कहते हैं आपके घर में जो बिजली की आती है तो वो आपका आता है यूनिट में आता है। तो इस तरीके से आप फार्मूले के थ्रू वाट गुणे घंटे, यानी आपके घर में कितने वाट की खर्चा है और कितने घंटे उपयोग कर रहे हैं और कितने दिन उपयोग कर रहे हैं, बटे 1000 से भाग दे दें, तो आपकी एक यूनिट में निकल कर किया जाएगा, एक यूनिट में आपका निकल करके मान आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये मोटर था वो विद्युत शक्ति की गणना जब की गई इसमें, तो 447.6 किलो वाट घंटे यानी 447.6 यूनिट आपका खर्च हुआ। तो इस तरीके से पावर से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका चार प्रकार का मैंने आपको बता दिया। विद्युत शक्ति की गणना इस प्रकार से कर सकते हो आसान तरीके से, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आपके बुक में वो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और लगाइए, और जहां पर भी यदि समझ में ना आए तो फिर आप मुझे बताइएगा क्लास में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप व्हाट्सएप में भी आप इससे जुड़े हुए प्रश्न को पूछ सकते हैं और इसका तत्काल आंसर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।